सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज वीडियो में पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि पाकिस्तान में बैन हो चुकी है। इसके क्या रीजन से आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, मैं इमरान खान, चलिए शुरू करें। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी के बारे में जिसे आप में से बहुत से लोग यूज भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्यों मोबाइल के बारे में। फ्रेंड्स, आपने एक चीज रियलाइज की होगी, अगर आप आजकल मार्केट में गए हैं और या आपको क्यों मोबाइल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगा, अगर आपको कोई डब्बा पैक मिल भी जाता है तो कोई नया मॉडल नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि कैसी कंपनी जिसके 4 से 5 मोबाइल महीने में लॉन्च हो जाते थे, उसका कोई नया मॉडल क्यों नहीं आ रहा। इसके पीछे रीजन यही है कि ये कंपनी पाकिस्तान में टोटली बैन हो चुकी है। बैन होने के रीजन कुछ इस तरह के थे कि ये कंपनी अपने आप को मैनुफैक्चर शो कर रही थी, मतलब गवर्नमेंट की नज़र में जो क्यों मोबाइल की मैनुफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में होती थी, गवर्नमेंट की नज़र में इनकी मैनुफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती थी। तब पर एक्चुअल में फ्रेंड्स ऐसा नहीं था, ये कंपनी चाइना वगैरह से ऑर्डर करती थी अपने मोबाइल्स के बोर्ड और यहाँ से इंपोर्ट कराकर अपने ठप्पा लगाकर पाकिस्तान में सेल आउट कर देती थी। फ्रेंड्स, एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूँ, अगर आप इंपोर्ट करवाते हैं किसी और कंट्री से मोबाइल तो आपको कस्टम टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि क्यों मोबाइल नहीं कर रही थी। अगर एक मोबाइल 20 से 25 हज़ार रुपये का है तो आप 6 से 7 हज़ार कस्टम टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि क्यों मोबाइल नहीं कर रही थी। इसके अलावा इन्हें और जो प्रॉफिट था वो इन्हें NOC रिक्वायर्ड नहीं थी, ये भी एक और इन्हें एडवांटेज था कि इन्हें कोई NOC रिक्वायर्ड नहीं थी। फ्रेंड्स, और जब ये कंटेनर पाकिस्तान में आते थे तो इन्हें LCDs के नाम पर लाया जाता था, क्योंकि LCDs पर कोई कस्टम टैक्स नहीं होता, अगर होता भी है तो वो बहुत कम होता है। इसके अलावा इसके लिए कोई NOC रिक्वायर्ड नहीं होती थी, यही वजह थी कि इन्हें LCDs का नाम दिया जाता था और ये बॉर्डर पर आते थे ये कंटेनर। और इस बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्यों मोबाइल का कंटेनर पकड़ा जिसमें 20 अरब रुपए के मोबाइल थे। तो आप खुद सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि एक ऐसी कंपनी जो महीने से 4 से 5 मोबाइल लॉन्च कर देती थी, और आप खुद सोच सकते हैं महीने में इनके कितने कंटेनर आते होंगे और इस फोन में ये कितना प्रॉफिट कमा रहे थे। यही वजह थी कि इनकी कंपनी को बैन कर दिया गया टोटली तौर पर, और जितने भी मोबाइल्स बड़ी मार्केट्स में थे उन्हें भी वापस मंगवा लिया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, इन मोबाइल्स में कोई EIMI नंबर भी नहीं होता था। EIMI नंबर फ्रेंड्स वो होता है जो कि मोबाइल को ट्रेस करता है, वो इन मोबाइल्स में बिल्कुल नहीं था। और ये कंपनी फ्रेंड्स बहुत जल्द वापस आने वाली है। किसी ने मेरे से पूछा था क्या ये कंपनी फिर वापस आएगी, तो ये कंपनी बहुत जल्द वापस आने वाली है। फरवरी या मार्च में ये कंपनी वापस आएगी, इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ आएगी ज़रूर। और होंगे वही क्यों मोबाइल वाले, पर शो नहीं करेंगे कि हम क्यों मोबाइल वाले हैं, नाम चेंज करेंगे, नेम भी मैं आपको बता दूँ ए मोबाइल या जी मोबाइल होगा, कंपनी वही होगी, चेंज करेंगे अपना नेम और जल्द वापस आएंगे। और बिल्ड क्वालिटी भी इनकी वही होगी, प्राइस भी वही होगा जैसे कि जिस प्राइस में आपको पहले क्यों मोबाइल मिलते थे। और मैं फ्रेंड्स एंड पर आपके ओपिनियंस लेना चाहूँगा, अगर ये कंपनी फिर आए क्या इस कंपनी पर ट्रस्ट करेंगे, क्या आप इसको फिर बाय करेंगे। आप अपने ओपिनियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस कंपनी पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं। इंडियन फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ईजी है, जस्ट आपने मेरी स्क्रीन पर आपको एक पेज नजर आ रहा होगा, वहाँ पे रेड बटन पे पर आपने क्लिक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन से आप मेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। अब तक इतना ही, खुदा हाफिज़।